वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। मैं हूं अंशिका और आप देख रहे हैं जनसत्ता। सुरों की मल्लिका आशा भोसले आज यानी कि 8 सितंबर को अपना 85वां जन्मदिन मना रही हैं। आशा ने अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत 10 साल की उम्र में ही कर दी थी। आशा ने अपने परिवार में शुरू से ही संगीत का माहौल देखा था, लेकिन तब उनके जहन में ये नहीं था कि वो भी कभी प्लेबैक सिंगर बनेंगी। आशा भोसले और उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर देश की स्वर कोकिला हैं, लेकिन दोनों ने बचपन में ही स्कूल छोड़ दिया था। ऐसा क्यों हुआ और इसके पीछे का किस्सा क्या था, आइए हम आपको बताते हैं। आशा और लता के पिता दीनानाथ मंगेशकर गायकी के सम्राट थे। वे बड़ी बेटी लता मंगेशकर को बचपन से ही गायकी की शिक्षा देते रहे थे। आशा हमेशा ही उन्हें रियाज करते हुए देखा करती थी। उस समय लता स्कूल जाया करती थी, लेकिन आशा बहुत छोटी थी इसलिए वो स्कूल नहीं जाती थी। एक दिन छोटी बहन आशा भी लता के साथ स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई। ऐसे में लता आशा को अपने साथ स्कूल लेकर चली गई। स्कूल पहुंचते ही मास्टर जी ने दोनों बहनों को एक साथ देखकर बहुत डांटा। उन्होंने कहा कि एक बच्चे की फीस में दो बच्चों की पढ़ाई नहीं हो सकती। मास्टर जी की डांट सुनकर दोनों बहनें रोने लगी और रोते रोते घर वापस आ गई। जब पिता दीनानाथ को ये बात पता चली तो उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने दोनों बेटियों को स्कूल भेजना बंद कर दिया और उनकी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम घर पर ही कर दिया। आशा ने अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत 10 साल की उम्र में कर दी थी। साल 1943 में आशा ने अपना पहला गाना गाया। 16 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म रात की रानी के लिए अपना सोलो गाना गाया था। 16 साल की उम्र में ही उनकी शादी गणपत राय से कर दी गई, लेकिन कुछ समय बाद ही अपने दोनों बच्चों को लेकर वे अपने मायके वापस चली आई। उस समय वो तीसरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। उस समय आशा का सिंगिंग करियर चल ही रहा था। वो आरडी बर्मन के लिए गाने गाया करती थी। धीरे धीरे आरडी बर्मन और आशा एक दूसरे के करीब आ गई। आरडी की भी पहले शादी हो चुकी थी, लेकिन वो चल नहीं पाई थी। उनके पिताजी नहीं थे और माँ की तबीयत भी बहुत खराब रहती थी। आरडी बर्मन आशा से शादी करना चाहते थे, लेकिन उनकी माँ इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी। माँ के भारी विरोध के बाद दोनों ने जाकर साल 1980 में शादी रचाई। दोनों का साथ 14 साल तक चला और 54 साल की उम्र में आरडी बर्मन का निधन हो गया। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि आशा भोसले मल्टी टैलेंटेड है। वो सिंगर होने के साथ साथ एक अच्छी एक्ट्रेस, मिमिक्री आर्टिस्ट और एक अच्छी कुक भी हैं। अपने करियर में आशा ने 20 भाषाओं में गाने गाए। 6 दशकों में उन्होंने 16,000 से भी ज़्यादा गाने गाए हैं। आशा एक बेहद अच्छी मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं। आशा ने अपने सिंगिंग करियर में एक खास मुकाम हासिल किया, इसलिए उन्हें कई अवार्ड से भी नवाजा गया। आशा पहली ऐसी इंडियन सिंगर है जिन्हें जर्मनी में भी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। अपने करियर में बेस्ट होने के अलावा आशा खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। कुवैत और दुबई में उनके रेस्टोरेंट की चेन भी है जो उन्हीं के नाम से चलते हैं। आशा ताई के नाम से मशहूर आशा भोसले के बर्थडे पर हम उन्हें हैप्पी बर्थडे विश करना चाहते हैं। आप भी कमेंट सेक्शन में उन्हें बर्थडे विश करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, इसी तरह के दूसरे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें जनसत्ता को।